आप देख रहे हैं देवास का अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। ये इस नई व्यवस्था के बाद में हाँ उधर ही उधर ही बात कर रहे हैं। नई व्यवस्था के बाद में तय कौन करेगा कि कौन SSG मतलब जिला पंचायत जनपद को देगा? SMDC को राइट सेट है? SMC मतलब आप कौन है भाई? सर प्राचार्य। कहाँ पे? टिगरा होगा सर। क्या माजरा है सर? मुझे बियासी से फ़ोन आया सारिका मैडम का कि आप दो मतलब एक समूह और दो रसोइयों के नाम दीजिए। तो वहाँ पर दो रसोइया मतलब दो समूह कार्य कर रहे थे। मैंने बोला मैं ऐसे किसी के नाम नहीं दे सकता, यदि एक को बंद करूँगा और एक को रखूँगा तो विवाद स्थिति पैदा होगी, तो मैं विधिवत काम करके दे सकता हूँ, तो मुझे दो दिन का आप टाइम दीजिए। तो मैंने विधिवत रूप से विज्ञप्ति जारी करके सारे शिक्षकों ने बैठ के हमने विचार बनाया कि ऐसा क्या करेंगे समस्या हल ना हो। तो हमने हमारे हिसाब से SMDC की बैठक करी और उसमें हमने कुछ रूल्स बनाए, नियम बनाए और उस हिसाब से विज्ञप्ति जारी करके हमने दोनों समूह को बुलाया और दोनों समूह को हमने सूचना दी और दोनों समूह से आवेदन लिए। उसके आधार पर हमने ठहराव प्रस्ताव पास करके पूरी एरे करके हमने दे दिया है ना हमारा SMDC का स्कूल में। और उसके बाद में हमने दो नाम दे दिए। वहाँ पर यह हुआ कि जो उसका चयन नहीं हुआ वो आपत्ति लेने के लिए यहाँ पर आया, गायत्री सोनी। और इस संबंध में जब मैंने ये करा उस समय में अपने जो जनपद वाले जो सर है मध्यान्ह भोजन से संबंधित, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया करा आपने। फिर वो यहाँ आए, यहाँ आने के बाद में क्या हुआ क्या पता नहीं, फिर दिक्कत ये आ रही है कि अब वो जो आपत्ति ले रहे हैं या निग ले रहे हैं क्या पता हो क्या हो रहा है। अब यहाँ से और यहाँ से ऐसा फोन आ रहा है कि इनको रखो। तो मैंने कहा कि मुझे आदेश दे दो, तो मुझे कोई आदेश नहीं दे रहा सर, और मैं उसको कैसे बंद कर दूं जिसको रखा। और सर का फोन आया, ये बोल रहे हैं कि हमने जो आपने रखा उसको बंद कर दो और हमने इसके खाते में पैसे भी डाल दिए हैं और इनको आप तो रखो। तुम्हारा कौन लगता है जिसके तुम बात कर? कोई भी लगता है। हाँ है सर, पूरा अधिकारी उसको है कि जो स्थानीय स्तर पर जो है वही उसका रे करेगी और आदेश भी है सर मेरे पास ये पूरा जो SMDC पूरा उसको रखेगी। अपने परिषद का लेटर है। हाँ सर।